इतनी बड़ी मोटर वाली अच्छा और रेंज देखते आप उसकी, इतनी लंबी पिच का। और भाई कैसा है, आ गया तू? कैसे रही फिर होली? घर क्यों नहीं आया तू होली के दिन? होली सही रही यार, मतलब वैसे तो घर ही पे था, थोड़ा मूड ऑफ था तो कहीं गया नहीं। अच्छा, हाँ मैं क्या बता रहा था अभी, तू भी सुन, साहिल नहीं है, पिचकारी लाया था बड़ी वाली, मैं लगी थी मोटर कोई नई वाली आई है, भाई इसकी रेंज देखता तू, अपनी छत से मारा था साला, तीसरी छत पे जाके भी ऐसा एम लग रहा था ना उसका, मजा आ गया ना भैया, मतलब मजा आ गया भाई पिचकारी को यूज करके। मैंने उससे भी लंबी रेंज वाली पिचकारी यूज करी। एक मिनट, अभी तूने कहा कि मैं घर पे था, साले यहाँ नहीं आ सकता था होली खेलने के लिए, और क्या घर की दीवारों पर पिचकारी मार रहा था? बाथरूम की दीवार पे एक ही पिचकारी चलानी आती तेरे को? और ये क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? क्या बताऊं यार, तो एक गुजर समझ क्यों बना रखा है? एक बात बता, मैं क्या कुत्ते ऐसा लगता हूँ? हरकतों से तो नहीं लगता, क्या कहना चाह रहा है, शकल से लगता हूँ? मेरा मतलब है नहीं, तो यही बात मेरे घर लोग समझाना, फैमिली ट्रिप के नाम पे अपना जोन चले जाता है, मुझे घर पे छोड़ जाता है, मैं पूछता हूँ मैं भी चलूँ तो कहते नहीं घर पे कोई चाहिए। अबे मैं क्या कुत्ता हूँ रखवाली के लिए? इससे तो कुत्ता ही पाले थे, मुझे क्यों पैदा किया? फैमिली ट्रिप के नाम पे अपना जोन चले जाते हैं। कहाँ गए? मथुरा गए हैं होली खेलने के लिए। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ तो कह रहे नहीं घर में कोई चाहिए, घर नहीं छोड़ सकते। वह तो तुम दोनों रुक जाओ मैं चले आता हूँ। फैमिली ट्रिप पे गए हैं क्या? हाँ फैमिली ट्रिप पे, मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं फैमिली से हट के हूँ ना, मैं तो जानवर कैटेगरी में आता हूँ साला, वो भी आजकल फैमिली में होता है। एक मिनट, छुट्टी चली ना इस बीच, संडे से छुट्टी है, होली भी है, मतलब अब तो चली गई, हम भी जा सकते हैं ना घूमने क्या भैया? हाँ, सही कह रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, मेरे पास एक विचार है। अच्छा रोटी में एक टुकड़ा मेरे को भी दे देना। अबे अचार नहीं विचार, बहरे बहरा होगा तेरा बाप, सारे गूंगे जोर से नहीं बोल रहा। सॉरी सॉरी यार, हम लोग भी चलते हैं फैमिली ट्रिप पे, क्यों? मैं भी चलूंगा तुम्हारी फैमिली के साथ भैया। मैं भी सॉरी, हाँ बहरा बोलने के लिए, मैं भी भाई, हम भी मथुरा वृंदावन चलते हैं चल। अबे होली हो गई है वहाँ, अब क्या जमीन का रंग साफ करने जाएगा वहाँ पूतिए? कोई और जगह बता। तो नैनीताल चलें? पागल है क्या, इससे अच्छा मैं तेरे घर की रखवाली कर लूँगा, जा तू चले जा। और कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? और एक काम कर, पापा से पूछ ले, क्या बता वही कोई जगह सजेस्ट कर दें। हाँ ये सही कहा तूने, तू जब बुलाता हूँ। अरे पापा यहाँ आ तो। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? तेरे नाम से पूछूंगा। अरे पापा ये कह रहा है कि क्यों ना हम एक फैमिली ट्रिप पे चलें। अच्छा, देख बेटा कितना समझदार है वो, एक तू है निकम्मा सा, वो अपने घर वालों के बारे में कितना सोचता है, एक तू है जो देखो खाता रहता हकता रहता है, लगता तेरे शरीर पे वैसे भी नहीं है, कैसा हो रहा है मरियल सा, बेटा कुछ समझा इसको। वो हमारी फैमिली ट्रिप के बारे में बात कर रहा है। ओ तो देख बेटा वो हमारे बारे में कितना सोच रहा है, एक तू है, तूने कभी सोचा हमारे बारे में इतना? कोई नहीं इसने सोच लिया, मैं निकम्मा हूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हो चलने को तो बताओ, तुम आगे की बात करें। हाँ बेटा हम तैयार हैं, बेटा हम तैयार हैं, बेटा फ्री में तो हम जहनुम भी चले जाएं, इधर तो फिर भी कहीं घूमने की जगह ले जा रहे हो। हाँ मैं भी तैयार हूँ, तेरी माँ भी तैयार है, और वैसे बेटा अगर ये हमारी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है तो क्या दिक्कत है, हम तो जा ही सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं स्पॉन्सर, इसको सोच के बोलो यार, बाहर मत बोल देना। और कौन स्पॉन्सर कर रहा है हमको, ये इसको खुद नहीं लगे से घर वाले, अपने पैसों पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, पेपर आने वाले ना तेरे, परसों ही खत्म हुए हैं। तो क्या क्लासेस शुरू होने वाली है तेरी अभी? अगले हफ्ते से है। गिटार क्लास है तेरी, उस पर ध्यान दे, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। कौन सी गिटार क्लास? ए ढोलक क्लास की फीस बढ़ती मैंने तेरी, कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा मेरी कोई ड्रम ढोलक तबला गिटार क्लास नहीं है, ठीक है ना? तो जाना, कौन कह रहा घर में पड़े रहने को तेरे से। पापा चलो ना यार, फैमिली ट्रिप है। बेटा इसके माँ बाप को ले जा या उनके साथ चले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ चलो यार, भैया कुछ बोल लो। बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे होना चाहिए। हाँ अरे यार चल बता कहाँ जाना है। आप ही बताओ कहाँ चलना है, आपकी पसंदीदा जगह चलते हैं। तेरी बुआ के वहां चलें, फूफा से भी मिलाएंगे, वैसे भी फूफा का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है अभी कुछ दिन पहले, मिल भी आएंगे। हाँ इसको ले जाओ। अरे यार चलो वैसे एक जगह है मेरे दिमाग में, ऋषिकेश चलें। हाँ ये सही है,
ऋषिकेश चलते हैं। हाँ अंकल सही है, हाँ भाई सही है, मजा आएगा ऋषिकेश में, राफ्टिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और गंगा आरती देखेंगे, झूला पुल घूमेंगे, सही है। तू टिकट करा ले जल्दी जल्दी, आज रात की करा ले, मैं तो कह रहा हूँ, या कल की करा ले, जबकि भी कराता है। चलो ठीक है। अरे चुप 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 चुप, ओ कुत्तो चुप जाओ, बॉस का फोन आ रहा है मेरे। हेलो, हाँ बॉस, गुड आफ्टरनून बॉस। जी 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 जी, ओके ओके ओके, यस 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 यस, आई विद माय वाइफ एंड विद माय सूरज आई विल कम, यस यस यस, थैंक यू बॉस, ओके। क्या हुआ बेटा? मेरे बॉस का फोन था, कल उनकी एनिवर्सरी है ना, वहां जाना है हमको। डेथ की मैरिज? ओ मरता है तो नहीं, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ना मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ तो बेटा हमको तो वहां जाना है। मैं जा रहा हूँ, चलो मुझे को बैठो, रहने तुम। पार्टी कहाँ पर अंकल, मतलब किस होटल में? रेडिशन करके कोई होटल है, और क्या लिखा है, कोई बैली डांसर भी आ रही है, कोई बैली डांसर क्या होता है बेटा? क्या बात कर रहे हो, बैली डांसर प्रोग्राम भी है, यूं ही जो कमर मटकाने वाला। भाई सही है भाई, रेडिशन में गया भी नहीं आज तक, चलते हैं। अबे यार अंकल मैं चलूंगा, आपकी बेटी जगह मैं चलूंगा, तू मत आ। वैसे मैं इसके जैसा दिखता हूँ, बोल देना ये मेरा लड़का है। साले अभी तक करता घूमने जाना है, अब लड़कियों की तोन देखनी तेरे को? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हट, तेरे को जो करना है कर तू, चैन से हट, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अंकल, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा। शाम को जाना है, 7 बजे का टाइम है, आ जाना टाइम पे, चलना है तो। हाँ कहो तो मैं घर ही ना जाऊँ, यहीं बैठ जाता हूँ। मुंह के अंदर क्यों बोले जा रहे हो, मुझे बता दो यार। अरे चाचा क्या हुआ, मुझे बता दो कुछ।